हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर इन्फो। और 18 जून 2023 टाइटन नाम का एक सबमरीन टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए रवाना हुआ। इसके अंदर 5 लोग सवार थे। इस टाइटन को बनाया था ओशियन गेट नाम के एक कंपनी ने और उसका सीईओ भी इसी सबमरीन में सवार था। ये सबमरीन टाइटैनिक के मलबे तक तो पहुंच गई पर वापस लौट नहीं पाया। करीब 90 घंटों तक लगातार खोजा गया पर सभी के सभी नाकाम रहे। आखिर क्या हुआ था इस सबमरीन के साथ, इसमें बैठे लोगों के साथ? आइए पूरी कहानी और ओशियन गेट कंपनी के काले सच को आज आपके सामने रखने वाला हूँ। 17 जून 2023 एक ब्रिटिश बिजनेसमैन हमिश हार्डिंग अपने फेसबुक में पोस्ट किया कि कल मैं टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहा हूँ। इससे पहले भी ये स्पेस से, इवन मारियाना ट्रेंच से भी ये घूमकर आ चुके थे। अगले दिन वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पहुंच गए, जहां पर उनकी मुलाकात शहजादा और सुलेमान से हुई। ये दोनों बाप बेटे थे। दोनों फादर्स डे पर कुछ नया करने के लिए टाइटैनिक को देखने का प्लान बनाया। हालांकि उसका बेटा काफी डरा हुआ था, लेकिन पिता की जिद की वजह से वो कंपनी देने के लिए चला गया। इसके अलावा पाउल हेनरी और ओशियन गेट के फाउंडर सीईओ स्टॉकटन रस थे। कुल 5 लोग समुद्र की गहराई में जाकर टाइटैनिक के डूबे मलबे को देखने वाले थे। 18 जून सुबह के करीब 9:30 बजे टाइटन नाम के सबमरीन में 5 ने गोता लगाया। समुद्र की सतह में एक मदरशिप भी था, यानी कि हम इसे सबमरीन नहीं कह सकते। सबमरीन वो होता है जो अपने ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी के अंदर जा सकता है और अपने आप ऊपर भी आ सकता है। इसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक समरसिबल को एक मदरशिप की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम टाइटन को सबमरीन नहीं बल्कि समरसिबल कह सकते हैं। खैर, ये टाइटन समरसिबल हर कुछ घंटों में एक सिग्नल भेजता था अपने मदरशिप के पास। समुद्र के सतह में मौजूद शिप को ये सिग्नल एक सबूत था कि टाइटन सुरक्षित है। करीब 1.5 घंटे के सफर में टाइटन लगातार शिप के कॉन्टेक्ट में था, लेकिन अगले ही पल करीब 11:55 में शिप का कॉन्टेक्ट टाइटन से टूट गया। अब आगे क्या किया जाए, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। समुद्र के सतह में मौजूद शिप के कंट्रोलर्स बस इंतजार कर सकते थे कि कब ये अपने समय के मुताबिक ऊपर आ जाए। दरअसल शिप के कंट्रोलर्स को ये लग रहा था कि कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा। समुद्र की गहराई में अक्सर ऐसा हो जाता है। टाइटन को करीब 4 से 5 घंटों के अंदर ही समुद्र के सतह पर वापस लौट आना था, लेकिन 5 घंटे से भी अधिक समय गुजर गया पर टाइटन लौट कर नहीं आया और ना ही इसका कुछ पता चल पाया। अब यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा टाइमर जो करीब 90 घंटों तक चलने वाला था, क्योंकि आने वाले करीब 90 घंटों के अंदर ही टाइटन के अंदर मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। इतने घंटों में अगर इसे खोजा ना जाए तो दम घुटने से सभी की मौत होने वाली थी। अब यहाँ पर एक जबरदस्त रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया गया, जिसे यूएस और कनाडा दोनों मिलकर कर रहे थे। टाइटन समरसिबल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसके गेट को अंदर से खोला नहीं जा सकता था। यानी कि टाइटन अगर समुद्र की सतह पर आ भी जाता है, तब भी वो टाइटन के गेट को खोलकर बाहर नहीं आ सकते थे और सतह पर आने के बावजूद भी दम घुटने से सभी की मौत हो जाती। इसलिए इसे खोजने के लिए बहुत सारे शिप्स का इस्तेमाल किया गया। 4 एरोप्लेन्स लगातार समुद्र के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। इवन प्लेन से सोनार भी डिप्लॉय किया गया पानी के अंदर। इसके अलावा ढेर सारे अंडरवाटर रोबोटिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। इन सभी ने जी जान लगा दिया, चाहे समुद्र के अंदर हो या समुद्र की सतह, हर जगह खोजबीन हो रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई पर टाइटन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। 12,500 फीट की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, ऐसी काली विशालकाय एरिया में टाइटन को खोज पाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। ऊपर से इतनी गहराई में जीपीएस भी काम नहीं करता। ऐसे डीप सी मिशंस में सबमरीन में एकोस्टिक बीकन लगा होता है जो लगातार साउंड इमिट करता है, जिससे खोजी दल उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। पर टाइटन में ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल नहीं था। टाइटन को लगातार 4 दिनों तक खोजा गया, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर तक खोजा गया, पर कोई भी सुराग नहीं मिला। अब बस कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ था। 22 जून 2023 दोपहर के 1 बजे यूएस कोस्ट गार्ड ने एक चौंका देने वाला अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि टाइटैनिक के मलबे के पास ही
टाइटन सबमरीन का मलबा मिला। इस समरसिबल के चिथड़े उड़ चुके थे। समुद्र की 12,500 फीट की गहराई में सभी पांचों लोगों की मौत हो गई। उन पांचों की इतनी भयानक मौत हुई कि एक चींटी के आकार का मांस या हड्डी भी नहीं बचा। हम स्पेस के बारे में, अपने सौरमंडल के सारे प्लैनेट्स के बारे में जितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका 10% भी हम अपने ही अर्थ के समुद्र के बारे में नहीं जानते। एक प्लेन के अंदर ऑलमोस्ट 1 bar प्रेशर होता है, यानी कि करीब 14.7 PSI। इस प्रेशर में हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। जब ये प्लेन 30,000 फीट पर जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट 2.7 PSI गिर जाता है। यहाँ पर प्लेन के अंदर 14.7 PSI और बाहर 2.7, यानी कि ऑलमोस्ट 12 PSI का डिफरेंस होता है। यहाँ पर बात करें स्पेस की, तो वहाँ पर हवा ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, यानी कि हम 0 PSI मान सकते हैं। इट मीन्स अगर एक प्लेन को 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ना है तो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि वो 12 PSI प्रेशर को झेल सके। वहीं अगर स्पेस में जाना है तो स्पेस सूट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि वो 15 PSI को झेल सके। पर जैसे ही हम स्पेस से समुद्र की गहराई में आते हैं, वैसे ही यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। जहाँ स्पेस में 15 PSI का दबाव पड़ता है, वहीं डीप सी में ऑलमोस्ट 400 PSI का दबाव सहना पड़ता है। ये स्पेस के कंपैरिजन में कितना अधिक है, आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। 15 और 400 PSI ये कितना अधिक है, आप इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने प्रेशर में अगर टाइटन में एक भी होल बन जाए तो समझो वो ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर ब्लास्ट वर्ड का इस्तेमाल करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सबमरीन फटेगा नहीं, बल्कि पानी के दबाव से ये अपने ही एरिया में पिचक जाएगा। एक न्यूज चैनल वालों ने ये पूछ लिया कि ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उन पांचों के बॉडी को कैसे रिकवर किया जाएगा। वेल, ओशियन गेट कंपनी अब कैसे समझाए कि भाई जिस प्रेशर से, जिस डीप सी में ये फटा, वहाँ पर एक टुकड़ा भी नहीं बचा होगा। एक मटर के दाने के बराबर का टुकड़ा भी नहीं मिलने वाला। सब कुछ धूल बनके खत्म हो गया महज 0.3 सेकंड में। नाउ चलो ठीक है, बॉडी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन टाइटन में ये इम्प्लोजन कैसे हुआ, आखिर क्या वजह रही होगी। दोस्तों, जब मैंने इस केस पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इंसान इतनी सारी लापरवाही, बहुत सारे लूप होल्स इस केस में देखने को मिला, तो आइए इन्हें भी हम जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस केस की शुरुआत ना हम थोड़ा सा शुरू से करते हैं। ओशियन गेट नाम का एक रिसर्च कंपनी बनाया गया, जिसे बेसिकली डीप सी में रहने वाले जीवों के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में रिसर्च करते थे। जरा सोचिए, इतनी गहराई में जहां इंसानों का कोई औकात नहीं, वहां ये छोटी छोटी दुनिया आखिर कैसे पनप रही है, इन जीवों का स्ट्रक्चर क्या है, इनका DNA कैसा है। वेल, यहाँ पर जानने के लिए तो बहुत कुछ है। ओशियन गेट कंपनी इसी तरह से बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट करती थी, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि स्पेस मिशंस में उतने खर्च नहीं आता जितने कि डीप सी मिशंस में। यहाँ पर स्पेस के कंपैरिजन में सबमरीन को 100 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी बहुत सारे पैसों की। अब यहाँ पर इस कंपनी ने अरबपतियों को टारगेट किया, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग आने वाला नहीं था। इस कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको टाइटैनिक के मलबे तक ले जाएंगे, लेकिन आपको करोड़ों रुपए खर्चना पड़ेगा। अब जिसके पास पैसा है वो एडवेंचर के लिए तो निकल ही जाएगा। पूरी दुनिया में अमीरों की कमी नहीं है। इसी तरह से डीप सी टूरिज्म करा के ये कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। हालांकि कुछ सालों से ये कंपनी रिसर्च कम और पैसे कमाने पर अधिक फोकस कर रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। ऐसा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये कंपनी पैसे तो दबा के ले रही थी, लेकिन सेफ्टी के मैटर में ये लोगों से खिलवाड़ भी कर रही थी। कंपनी चाहती थी कि हम कम से कम खर्च में इस सफर को पूरा कर ले। इसके लिए सेफ्टी के बहुत सारे रूल्स को तोड़ा गया। टाइटन समरसिबल में बहुत सारा कोस्ट कटिंग किया गया। एक स्ट्रॉन्ग समरसिबल या सबमरीन बनाने के लिए, एक मजबूत पनडुब्बी बनाने के लिए इसका आकार स्फेरिकल, एक गोले के आकार का होना चाहिए। एज पॉसिबल इसके साइज को कम रखना पड़ेगा, ताकि पानी का प्रेशर पूरे बॉडी में फैल जाए और स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो।
स्फेरिकल डिजाइन एक बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें जगह की कमी हो जाती है। इसलिए स्फेरिकल के बाद एक दूसरा ऑप्शन है कि पनडुब्बी को कैप्सूल शेप में बनाया जाए। अब बात आ ही चुकी है सबमरीन बनाने की, तो एक बात आपको और जानना चाहिए कि भले ही आज हम प्लेन की मदद से आसमान में उड़ पाते हैं, दूसरे प्लेनेट से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, लेकिन जब बात आती है समुद्र की तो हमारे पास यहाँ पर उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरी दुनिया में सबमरीन बनाने वाली कंपनी मुश्किल से आपको 4-5 मिलेगी, वो भी मिलिट्री सबमरीन होते हैं। ऐसे सबमरीन साइज में काफी बड़े और कैप्सूल शेप में होते हैं। ऐसे सबमरीन डीप सी में कभी नहीं पहुंच सकते। अगर आप पूछते हैं कि मिलिट्री सबमरीन का इस्तेमाल करके टाइटैनिक को देख सकते हैं, तो भाई इसका जवाब है नहीं। 90% से भी अधिक सबमरीन उतनी गहराई तक नहीं जा सकते। डीप सी तक पहुंचने वाले सबमरीन बहुत ही रेयर है। ऐसे डीप सी सबमरीन को बनाने के दौरान अगर 1% भी एरर हो जाए या बॉडी थोड़ा सा दब गया, उठ गया, तो समझो वो सबमरीन गया काम से। इस तरह के सबमरीन बनाने के लिए अभी तक हमारे पास एक ही मटेरियल है और वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम कभी हार नहीं मानने वाला। चाहे इसे टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचा दो या फिर मरियाना ट्रेंच के पास पहुंचा दो, टाइटेनियम कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं झेल सकता हूं। ओशियन गेट कंपनी ने अपने टाइटल समरसेबल को स्फेरिकल नहीं बनाया, इसके अलावा दूसरा डिजाइन कैप्सूल स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया। इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से था। कैप्सूल के अंदर थोड़ी सी जगह थी, इसी में पांचों को बैठना था। दो छोटे छोटे स्क्रीन लगे हुए थे, सामने एक बड़ा सा ग्लास लगा हुआ था जिससे अंदर बैठे लोग बाहर के नजारे को देख सकते थे। यहाँ पर यह ग्लास छोटा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इसका आकार बहुत बड़ा था। इतना बड़ा ग्लास लगाना बहुत गलत डिसीजन था। इतनी सारी गलतियों के बाद इस कंपनी ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, इसका कॉस्ट कटिंग करके। डीप सी मिशंस में टाइटेनियम एक परफेक्ट मटेरियल है। एक बार टाइटेनियम का सबमरीन बन गया तो समझो सोचना ही नहीं है। लेकिन ओशियन गेट कंपनी ने टाइटन को टाइटेनियम का कम और कार्बन फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल किया। कार्बन फाइबर हर जगह बेटर परफॉर्म कर सकता है, पर एक डीप सी मिशन के लिए ये नहीं बना। कार्बन फाइबर एक स्ट्रक्चर टाइप मटेरियल है, जबकि टाइटेनियम बल्क मटेरियल है, ये अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन फाइबर में अगर एक भी फैब्रिक टूट गया या डैमेज हो गया तो ये डिटेक्ट नहीं होने वाला और ये रिपेयर भी नहीं हो सकता। ऐसे में सबमरीन का काम तमाम हो सकता है अगर ये डीप सी में चला जाए। अगर किसी सबमरीन को 2-4-500 मीटर अंदर जाना है तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है डीप सी मिशंस की तो भैया कार्बन फाइबर को भूल जाओ, आंख बंद करो और सीधा टाइटेनियम का इस्तेमाल करो। लेकिन यहाँ पर ओशियन गेट कंपनी ने आंखें बंद करके टाइटेनियम को इग्नोर कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि इस बात पर कोई कंप्लेन नहीं हुआ। समुद्र के जानकार कई सारे साइंटिस्ट ने टाइटन पर सवाल उठाया कि ये सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन टाइटन को बनाने वाले इंजीनियर डेविड ने खुद ये कहा कि ये टाइटन टाइटैनिक के मलबे तक जाने के लायक नहीं है, इसमें सेफ्टी का बहुत सारा खतरा है। इसके टेस्टिंग के दौरान 3800 फीट के बाद सबमरीन में क्रैक्स आने लगी। यहाँ पर डेविड ने अपने बयान में कहा कि ये 3000 फीट जाने के लायक भी नहीं है। टाइटन के सेफ्टी पर जब इतने सवाल उठने लगे तब टाइटन के फाउंडर और सीईओ ने डेविड को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसी टाइटन सबमरीन ने उस फाउंडर की भी जान ले लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।